हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है राशन कार्ड धारकों को। दोस्तों राशन कार्ड धारक ध्यान दें, दो नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, अब ऐसे मिलेगा राशन। तो दोस्तों राशन कार्ड के दो नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है केंद्र सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत अब सभी राशन कार्ड धारकों को राशनों में दो बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों कौन से दो बड़े बदलाव हैं, देश भर में राशन कार्ड धारक ध्यान दें, दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इस लोगों को राशन काफ़ी आसानी से मिल जाएगा जानने के लिए, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। अब राशन कार्ड धारकों के राशन में दो बड़े बदलाव हो गए हैं, अब ऐसे मिलेगा राशन। तो दोस्तों अब आसानी से राशन मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसे मिलेगा इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखें एंड तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच कर दें। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आए उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है, और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में कर लिख देना है आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट दर्ज हैं, उसी हिसाब से आपके को मिलेगा राशन, आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राशन कार्ड धारक ध्यान दे, दो नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब ऐसे मिलेगा राशन। तो दोस्तों अब ऐसे मिलेगा राशन, देश भर के राशन कार्ड धारकों ध्यान दो, दो बड़े बदलाव किए गए हैं जिसमें लोगों को राशन काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों दरअसल देश में अब एक ही राशन कार्ड मान्य होगा, ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं और तबादला हो जाता है या किसी और वजह से स्थान बदलते हैं तो अलग से राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, उसी राशन कार्ड पर मिलता रहेगा राशन। तो दोस्तों अब आपको राशन दूसरा राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, उसी राशन कार्ड पर मिलता रहेगा राशन। तो दोस्तों दूसरा अब लोगों को अंगूठा लगाने पर भी राशन मिलेगा, इसके लिए काफ़ी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्लांट ऑफ सेल मशीनें लगेंगी जिसमें कार्ड धारक का आधार से लिंक हुआ पूरा ब्यौरा आ जाएगा। तो दोस्तों अब मशीनों में मशीनों द्वारा राशन मिलेगा और राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक हुआ पूरा ब्यौरा आ जाएगा। तो दोस्तों अब राशन कार्ड धारकों को आधार से अपना राशन लिंक कराना होगा और आसानी से मिल जाएगा राशन। तो दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है राशन कार्ड तो अपना आधार कार्ड से लिंक कराएं, फिर आपको मशीन द्वारा मिलेगा अब राशन। तो दोस्तों इससे आपको राशन मिल जाएगा आसानी से। तो दोस्तों कार्ड नंबर फिल करते ही कार्ड धारक का पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा, इसके बाद कार्ड धारक बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाएगा तो उसे राशन मिलेगा। कार्ड धारक या उसके परिवार में किसी भी सदस्य की ओर से अंगूठा के बाद यूनिट के अनुसार राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों अंगूठा लगाने के बाद यूनिट के अनुसार उसे राशन दिया जाएगा। सरकार राशन कार्ड को डिजिटल करने जा रही है, तेलंगाना और उड़ीसा में राशन कार्ड ऑनलाइन हो गए हैं, बाकी के राज्यों में भी ऐसा जल्दी हो जाएगा। केंद्र खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में इसका खाका तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने इसका खाका तैयार कर दिया गया है, अब सभी राज्यों में मिलेंगे मशीन द्वारा राशन। तो दोस्तों राशन लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक कराना होगा और सारे यूनिट आ जाएंगे मशीन में, उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा राशन। तो दोस्तों तेलंगाना और उड़ीसा में ये अभियान पहले से ही चल रहा है, इस योजना का फ़ायदा लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।